You're a superhero. देखिए तो बताया मैंने आपको इससे पहले के माउथ में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, दांतों का कार्य क्या है, भोजन को पीसना है और चबाना है, और बताया था कि जीभ का कार्य क्या है, भोजन में लार मिलाना है जिससे वो चिकना हो जाए, गीला हो जाए, और ये बताया था कि दांतों की सफाई करना ये भी जीभ का कार्य है, दांतों की सफाई करती है, आपके भोजन के कण फंस जाते हैं जीभ तो इन्होंने उसको बाहर निकालती है। फिर आगे बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड्स, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां या सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, और ये लार ग्रंथियां बताया था, एक बताया था पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल, तीन प्रकार की होती है। पैरोटिड कहते हैं अधोहनु अधोजिह्वा, ये हिंदी में इनका नाम है, तो इनको हमने कहा तीन तरह की लार ग्रंथियां होती हैं। फिर एक आता है जी एपिग्लोटिस क्या है, जब मुंह खोलते हैं तो अंदर की ओर एक ऐसी नली दिखाई देती है लटकती हुई, ठीक है, वो एपिग्लोटिस है, जैसे मुंह खोले जीभ निकाले अंदर की ओर दिखाई देती है। तो बताया ये जो फेरिंग्स है, ठीक है ना, फेरिंग्स है और एक बराबर में श्वास नली और है, दो नली है, एक श्वास नली है और जी फेरिंग्स है, तो उसका कार्य यह है, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, भोजन निकलना है तो भोजन फेरिंग्स में आएगा, पानी पीना है तो फेरिंग्स में आएगा, सांस लेनी है तो श्वास नली में हवा जाएगी। तो एपिग्लोटिस का कार्य यह है, जैसे अगर आप भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो श्वास नली बंद कर देगा, और सांस ले रहे हैं तो भोजन नली बंद होगी। तो ये एपिग्लोटिस का कार्य है। अंत में आप देखते हैं जीभ के अंदर भीतर गले में तो एक लटकती हुई रचना ऊपर से दिखाई देती है। चलिए तो बताया, ये बताया था भोजन फेरिंक्स में जाता है, फिर ओसोफेगस में जाता है, और ये क्रमांकुंचन गति पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, क्रमांकुंचन गति, उसके द्वारा भोजन सरकता हुआ तुरंत स्टमक में आता है। स्टमक बताया था जठर ग्रंथियां होती हैं, उनसे जठर रस निकलता है, तो जठर रस भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है, भोजन को मुलायम बना देता है, फुला देता है, और आए हुए जो जिंदा जीवित जीव आ जाते हैं उनको मारने का कार्य करता है। तो इस तरह से यहाँ से भोजन ये अम्लीय माध्यम बना देता है, और फिर यहाँ से ये ग्रहण है डियोडेनम है, ये छोटी आंत का एक भाग है ऊपर जो सी के आकार का है, इसे बताया लीवर से, जो बताया कौन सा ग्लास गाल ग्लैंड, तो गाल ग्लैंड है, तो ये लीवर में है गाल ग्लैंड, ये तो गाल ग्लैंड है, पित्तरस इसमें जमा होता है और पित्तरस बनाने का काम लीवर का है, लीवर के कल हमने कार्य बताए थे, और तो ये पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयरस पैंक्रियाटिक जूस, ये अग्नाशय है पैंक्रियास, तो इससे ये अग्नाशय रस दोनों यहाँ पर मिलते हैं, और जो पित्तरस या बाइल जूस है ये भोजन का माध्यम क्षारीय बना देता है, कि भोजन के पचने का कार्य अब क्षारीय माध्यम में होगा, इससे पहले अम्लीय माध्यम था। अब यहाँ आने पर अब जो एंजाइम अग्नाशय से आए हैं, जैसे कल बताया था ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, ये एंजाइम ट्रिप्सिन है प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और लाइपेज वसा को पचाता है। तो इस तरह से ये एंजाइम है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा जो हमारे भोजन के अवयव है उनको सरल अणुओं में बदल देता है। सरल अणु मतलब जैसे प्रोटीन है अमीनो एसिड में बदल जाती है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाती है, और जो वसा है ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में बदल जाता है। तो ये काम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, ये है ये लिखा है छोटी आंत भरी हुई है यहाँ पर, यहाँ से ये आई है इसमें, तो ये भोजन पच जाता है, भोजन पचने का कार्य छोटी आंत में होता है, और पचने के बाद बताया था ग्लूकोज
अमीनो एसिड और वसा अम्ल ग्लिसरॉल ये आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, भोजन पूरी तरह पच जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं और अवशोषित होकर के ब्लड में चले जाते हैं। तो ये हमने आपको बताया, अब यहाँ से ये देखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये यहाँ पर आके यहाँ मिलती है छोटी आंत, जहाँ छोटी आंत में मिलती है तो छोटी आंत में मिलने के स्थान पर एक ये अपेंडिक्स दिखाई दे रहा है। क्या है? अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स आ रहा है। ये भी 6 इंच लंबी एक नली होती है, तो ग्रंथ है 6 इंच लंबी, तो नलियाँ बंद है तो अपेंडिक्स है, और गलती से नली होती है तो ग्रंथ है 6 इंच लंबी, तो नलियाँ बंद है तो अपेंडिक्स है, और गलती से जैसे भोजन है तो बताया छोटी आँख में पच गया, अब आगे का प्रोसेस होना है, आगे प्रक्रिया चलनी है, तो भोजन कहाँ आएगा? बिना पचा हुआ भोजन, माने बिना पचा हुआ वह भोजन या अपच कह सकते हैं, तो वह भोजन यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो ये एक अपेंडिक्स है, कभी कभी भोजन अपेंडिक्स में चला जाता है। अब अपेंडिक्स में क्या है? अपेंडिक्स में चला जाए तो वो यह बंद है, जब बंद है तो बाहर नहीं निकल पाता और उसमें जाके सड़ जाता है। जब सड़ जाता है तो लोगों के दर्द होने लगता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं भैया आपको अपेंडिसाइटिस का दर्द है। अपेंडिसाइटिस माने जो अपेंडिक्स है ये, इसमें भोजन चला जाए, निकलने का रास्ता नहीं है, चला तो गया बाहर नहीं निकल पाएगा कहीं, तो वहाँ जाके सड़ जाएगा, सड़ जाएगा तो उसमें सड़ने के बाद क्या होगा? सूजन आ जाएगी, इस ग्रंथि में अपेंडिक्स में सूजन आ जाएगी, दर्द होगा, तो इसको अपेंडिसाइटिस का रोग कहते हैं। तो बताया यहाँ दर्द होने लगता है और दर्द होता है, सूजन आ जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है एक माइनर ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के द्वारा इसको काट के अलग कर दिया, ये अपेंडिक्स है, यहाँ से काट के अलग कर दिया जाता है, इसको सिल दिया जाता है और टांके लगा दिए जाते हैं और फिर ये अलग हो जाता है और ये इसका इलाज है। ठीक, अब इसके बाद भोजन हमने बताया बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत में ये गया, ठीक है ना, ये यहाँ से ये इधर, तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता, पाचन का काम समाप्त हो गया। अब क्या है? जो बिना पचा हुआ अपशिष्ट बेकार का भोजन है, जो पचा हुआ नहीं है, उसमें पानी की मात्रा है, तो पानी एब्जॉर्ब होना, मैंने बड़ी आंत है इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ये दिखा लार्ज इंटेस्टाइन, तो बड़ी आंत में भोजन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत भोजन में से जो बिना पचा हुआ भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसमें पानी का अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन होता है और पानी का अवशोषण कर लिया जाता है, शेष यहाँ से ये दिखा हुआ बोलते हुए यहाँ पर रेक्टम, रेक्टम है मलाशय, ये मलाशय है रेक्टम और ये दिखाई दे रहा है रेक्टम है, इसको मलाशय कहते हैं, और एनस मलद्वार, ये मलद्वार है, तो यहाँ से समय समय पर जो मल है या अपशिष्ट पदार्थ है शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये बताया हमने इसके, ये क्या हुआ? पाचन तंत्र का इतना कार्य है, हमने आपको ये बताया पाचन तंत्र में क्या होता है।